हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे 10 का व्लॉग विद लेट नाइट क्रेविंग्स। एक्चुअली 1:15 हो रहा था, मुझे असाइनमेंट बनानी थी और बड़ी शिद्दत की भूख लग रही थी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आई एज अ स्नैक। लेकिन अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया था कि लाइट चली गई, आप देख सकते हैं। इंटरनेट भी बंद हो गया क्योंकि वाईफाई जो है वो UPS पे नहीं है, और साथ ही साथ मेरे रूम की लाइट भी UPS वाली ख़राब हो गई। तो खैर, जब तक लैपटॉप की चार्जिंग थी तब तक मैंने अपना काम कर लिया। उसके बाद सहरी करके मैं ऐसी सोई के 2 बजे के टाइम उठते साथ नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सबसे पहली न्यूज़ मुझे ये मिली कि आज भाई घर पे नहीं है, मतलब वो कहीं काम से गए हुए थे, तो फ्रूट्स लेने के लिए मुझे और यशफा को मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि मेरी ही अफ्तारी फ्रूट चाट के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। लेकिन खैर, फ्रूट्स लेने गई थी और मुझे 2 शर्ट्स पसंद आ गई, मैंने दोनों की दोनों परचेज कर ली। एक जो है ये थोड़ी सी कैजुअल वेयर के लिए, मतलब जैसे अब मुझे शौक़ होता है रमज़ान में जुम्मतुल मुबारक पे न्यू ड्रेस पहनने का, और दूसरी मैंने थोड़ी सी फैंसी वेयर में ले ली, लाइक ईद के किसी भी डे पे पहनी जा सकती है क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी दोनों। चलें जी, अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो डिनर के लिए बन रहे हैं आज टिंडे गोश्त। इट साउंड्स फनी, लेकिन मुझे तो पर्सनली इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो जब तक हमारी हांडी बन रही है तब तक मैं बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मार्केट से आते साथ किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले मैंने ऑलमोस्ट 1/2 कप के बराबर लिए हैं ये फ्रीज हुए मटर, आप रेगुलर भी ले सकते हैं, इसको मैं बॉईल कर लूँगी। उसके बाद एक कैरेट लेनी है और इसको पील करके बारीक बारीक सा मैं स्लाइस कर लूँगी। आपको मैं स्लाइस करने का तरीका बताती हूँ, अगर तो आपके पास ये कटर है तो आप इससे कर लें, वरना आप नाइफ से किसी भी शेप में काट सकते हैं। इस तरह ज़रा मतलब देखने में कुछ प्रोफेशनल सी लुक आती है, इस वजह से मैं थोड़ा इस तरह से कट कर रही हूँ। उसके बाद इसको बारीक बारीक से लंबी लाइंस में कट कर लेंगे। इसको एक्चुअली कट करने के 2 फायदे हैं, एक ये कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, फौरन से बिल्कुल बस मिक्स करेंगे और बन जाएगी, और उसके अलावा ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब जब प्रॉपर तैयार होगी तो आप खुद देखिएगा कि बड़ी मज़े की लुक आ रही होती है, जैसे प्रोफेशनल आपने रेडीमेड परचेज की है या किसी भी रेस्टोरेंट से मंगवाई है। साथ ही मैंने इतना ही इक्वल चिकन ले लिया है बोनलेस। अब मैं हरी मिर्चों को भी स्लाइस में कट कर रही हूँ बारीक बारीक, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं प्लेट में रख के साइड पे कर देती हूँ। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर लिए थे, लेकिन उससे पहले मैं भून लेती हूँ जो हमारा मसाला है अच्छी तरह से, क्योंकि सालन तैयार हो चुका था। और ये 4 टमाटर हैं, लेकिन ये फ्रीज हैं, मतलब फ्रोज़न टमाटोज यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर पानी में डिप किया है, क्योंकि बिल्कुल 10-20 सेकेंड्स में डिप करने के बाद ये देखें इसका छिलका बहुत इजीली पील हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इसको कट कर लेंगे तो अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर टमाटोज यूज़ करें तो आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद मटर भी बॉयल हो चुके हैं, मैकरोन पास्ता भी आ गया है, सारी की सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। इसमें जो मैं टेस्ट फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, मैं शाश्लिक मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने डायरेक्ट पैन में ही मैक्रोनी डाल दी थी, लेकिन पहले आप पानी को बॉईल करें फिर उसमें मैक्रोनी डालें। और मसाले के लिए ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या चॉइस के अकॉर्डिंग 2 से 3 चम्मच ऐड करें ऑयल, और उसमें मैंने 4 टमाटर जो कट किए थे वो ऐड कर दिए। जब ये थोड़ा सा मसाला इनका लग बन जाए या भुन जाए आपके टमाटर, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले का पैकेट। लेकिन अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप घर वाली स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्चें और थोड़ी सी सॉसेजेस जो होती हैं तीनों, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर वाली। अच्छी तरह से मसाले और टमाटर के भुन जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन।
चिकन को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन साथ ही मैं उसमें ये मटर ऐड कर रही हूँ और हाफ गाजरें ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि मटर के अंदर भी टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने इसे बॉईल किया था तो टेस्टलेस थे, लेकिन अगर हम इसे साथ ही भून लेंगे गोश्त के तो इन मटर में भी अच्छी तरह से टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको थोड़ी सी स्टीम दे दें और उसके बाद लाइक 5 मिनट्स के लिए बहुत इनफ होगा। 5 मिनट्स बाद इसको अच्छी तरह से भून लें। अब जो बाकी की कैरेट्स हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने 2 दफ़ा में इसलिए कैरेट्स ऐड की हैं कि थोड़ी सी कैरेट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं और बाकी जो हैं वो क्रंची रहें। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज जो कट की थी वो भी ऐड कर दी हैं। लास्ट में इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के कैचअप के, और उसके अलावा मायनीज भी ऐड करनी है, लेकिन मायनीज लास्ट में ऐड करेंगे। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप अपने कैचअप के साथ अच्छी तरह से इसको भून लें। देख सकते हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना डिलीशियस सा आपका मसाला तैयार हुआ है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मायनीज। मायनीज ऐड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा बस लाइक 1 मिनट के लिए आप इसको पकाएं, और तब तक मैंने सेपरेट कर ली थी पास्ता जो मैंने बॉईल कर लिया था उसको मैंने छान लिया है और उसमें से पानी अच्छी तरह से स्टेन हो जाए। अब मैं इसी मिक्सचर में ऐड कर दूंगी पास्ता, लेकिन आप इसकी लुक ज़रूर देखिएगा, मतलब ऐड करने के बाद कितना डिलीशियस सा पास्ता हमारा तैयार हुआ था और बहुत ही क्विक रेसिपी है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम भी रिक्वायर नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अफ्तार में भी। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पास्ता के साथ साथ अफ्तार में फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे और पकौड़े थे। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल।